हेलो। हाँ पापा, क्या कर रहे हो? काम ही कर रहे हो ना? पक्का? चलो ठीक है, काम पर ध्यान देना, कभी रील्स में घुस जाओ। सारा दिन रील्स रील्स रील्स। जैसा कि आपको पता है कि माँ बाप तो बोलते हैं कि बेटा फ़ोन पर मत ध्यान दो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो, अपनी लाइफ बनाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन आने वाला टाइम कुछ ऐसे आने वाला है कि हम लोग अपने माँ बाप को बोलेंगे कि प्लीज़ पापा मम्मी प्लीज़ हमारे ऊपर भी ध्यान दो। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? अपना हाथ अपनी पैंट से निकालो पहले और ईयरफोन्स पहन लो, क्योंकि आज हम मिलने जाने वाले हैं। हजारों में लाइक्स आ रहे हैं भाई, अगर ऐसा बुढ़ापा हो सकता है, मुझे नहीं जीनी अपनी जवानी। महंगा ना होता कोई ब्रांड, करते जो क्राइम वही करते हैं ग्रैंड। पैसा उड़ा दे सब बन जाते फ्रेंड, हेटर सब क्रिटिक्स भी कर देते ट्रेंड। झुकेगा नहीं मैं, रुकेगा नहीं, मारू निशाना तो चूकेगा नहीं। खोटेगा जो मैं खुद ही से साला, रेगिस्तान कभी सूखेगा नहीं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं भाई। मेरे बेटे और बहू को मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में पता चल गया है और वे लोग मुझे घर से बाहर निकालने की तैयारी में है। इसकी बहन की आंख। अरे अंकल जी, आपके लड़के की बहन तो आपकी बेटी हुई ना। कूल अंकल जी, कूल मेरे प्यारे अंकल, कूल कूल कूल। भीख मंगवा दूंगा, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है। धर्मवीर को निकालोगे घर से? फॉलो करो बाकी थम लोग, जब तक मैं इनका काम बांधता हूँ। मिस्टर बलबीर ने बोला फॉलो करो, जल्दी से कर दो तो फॉलो। डन। फक, अभी तो 52 थे। भगवान मुझे सीनियर सिटीजन बनाओ यार, आप सुनते ही हो यार, मुझे सिटीजन बनना है यार। भाई मेरा 28 साल का लड़का पूरे दिन फोन में घुसा रहता है, उसको लगता है पापा ने बहुत कमा लिया, पैसा देगा। अरे मैंने अपने लिए कमाया भाई, तू तो अपना देख और मुझे मजे लेने दे जिंदगी के। अरे चचा, भारत में माँ के कमरे में कूलर तक नहीं होता, मगर बच्चों के कमरे में एसी जरूर होता है। बच्चा अगर ड्रैगन फ्रूट भी मांग ले और बाप ने पूरा दिन कोई पैसा न कमाया, फिर भी वो उसे दिलाने की हिम्मत रखता है, बजाय उसे अपना फ्रूट क्यों ना सेक्रीफाइस करना पड़े। बच्चा 28 का क्या, अगर 38 का भी हो जाए और वो आने में देर हो जाए तो बाप का फोन आ जाता है कि कड़े रह लिया, 12 बज रहे हैं, आ जाना इब। अगर अभी आपके लड़के का फोन आ जाए कि पापा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो देखते हो ये स्टेप्स आपके कहाँ जाएंगे, आप तुरंत उसके पास भाग के जाओगे। बात करते हो, कल टिंडर पे एक मैच है भाई, सोनिया नाम की लड़की का, धोखेबाज। यहाँ ग्रेटर क्लास बुला के मेरे को 2 घंटे खड़ा कर दिया यहाँ धूप में। कहाँ मर गई तू धोखेबाज? तेरे जैसी लड़की हो जैसे टिंडर बदनाम है। जाऊँ अपना घर, अपनी इस्तीसी करा लिए यार, नहीं फिर ठहर दे दोबारा। सोनिया धोखेबाज नहीं, समझदार है। जिन लोगों को अक्सर बर्थडे पार्टी नहीं देनी होती ना, वो यही बोलते हैं कि भाई जब मर्जी ले लियो, तू तो भाई है अपना। सेम चीज सोनिया ने करी और अंकल हो गया बावला, पहुंच गया नोएडा। भाई बड़को बहुत खुशी की बात है, सोनिया ने खुद डीएम करके अपने रूम का एड्रेस भेजा है एंड फाइनली आई एम गोइंग देयर। अरे चचा दिमाग तो लगाओ, करोगे क्या वहां? पहली बॉल खेलने से पहले रन आउट हो जाओगे, कुछ तो दिमाग लगाओ चाचा, शांत शांत कुछ तो दिमाग लगाओ। क्या पता वो सोनिया नहीं सोनू हो और वो कमरे में पहुंच कर बोले मजाक कर रहा हूँ, वो देख कैमरा प्रैंक एंड वेरी एक्साइटेड। विश मी लक एंड फॉलो करना मत भूलो दोस्तों, डू फॉलो माय अकाउंट एंड इतना प्यार देने के लिए चुप्पा। एक सेकंड क्या बोले ये? चुप्पा। When you came to know it's not Sonu, it's Sonia. When you successfully and secretly clicked nudes of Sonia. बच्चे घर पे चाय पी रहे हैं और मैं कोस्टा की कॉफी, हैशटैग कोस्टा, हैशटैग कॉफी, हैशटैग गुड मॉर्निंग। टाइट गुड्डू पिएगा ना लाइट, गुड्डू मीठा जैसे गुड़।
अरे अंकल जी सीट बेल्ट तो छोड़ दो, ऐसी बकचोदियां करने पे सीट बेल्ट क्या, भगवान भी नहीं बचा सकता आपको। बच्चे सोचते होंगे बाप तो सच में नल्ला है, जवानी कैसी भी जाए बुढ़ापा ऐसा होना चाहिए। अरे दुनिया की फिक्र नहीं यही चाहिए, बस जिंदगी भर कमाया है अब एंजॉय। फिर तो मुकेश अम्बानी सर को भी ऐसी बकचोदियां करनी चाहिए, सोचो मुकेश अम्बानी सर ऐसे बकचोदियां कर रहे हैं। शट अप, आप अंकल नहीं हो मेरे को पता है। एनीवेज नाइस रील्स, बढ़िया ऐसी तैसी कर रखी कई लोगों की तो, जो नल्ले हैं। वानी बेटी का कहना है कि चंपक चाचा और धर्मवीर सेम एक्टिंग कर रहे हैं, एक्चुअली वो रियल लाइफ में बहुत हॉट और यंग है, उनकी भी गर्लफ्रेंड्स हैं, वो सिर्फ यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं कंटेंट के लिए, हो सकता है स्नैपचैट फिल्टर भी लगाया हो, है ना। रिटायरमेंट के बाद ऐसी जिंदगी की मैं कल्पना कर रहा था, मेरे बच्चों को लग रहा था मैं उनको पैसा छोड़ के जाऊंगा, पर आराम घरों को एक थोड़ी नहीं दूंगा। क्यों, खुद नहीं कमा सकते, ठेका ठा रखा है, संभाल लूंगा अपने पैसे का। अगर अंकल गोयल कंसल तंसल ये सब होते ना, तो उनका बेटा बहू पोता पोती उन्हें स्विमिंग पूल से निकलने से पहले गोली मार देते। बेटे ये दिल्ली आया था और काफी गर्मी है, ट्रेनिंग वेनिंग हो रखी है। ऑटो में शॉर्ट का बटन खोलकर वीडियो बनाना हरियाणा का बंदा ही कर सकता है, वो भी धर्मवीर अंकल। तो अगर किसी भाई बंधु को किसी को पता हो मसाज कहाँ से अच्छी ली जाती है, बॉडी टू बॉडी मसाज, एपीएटिक मसाज और भी जैसे बड़ी ऐसी मसाज जिसको पता हो, तो पार्लर का एड्रेस डीएम में भेज देना मेरे को, मेरे को सच जरूर दे बेटा। आप लोग भी अगर बढ़िया मसाज लेना चाहते हो दिल्ली से, तो पेज को लाइक करो, फॉलो करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक जरूर करना। अंकल जी अब इन्फ्लुएंसर के साथ साथ दलाली भी किया करेंगे, जो भी उनके पेज को लाइक करेगा अंकल हॉट चिक्स भेजा करेंगे उनके घर पर, और डिस्काउंट चाहिए तो धर्मवीर.xx का कूपन कोड भी लग सकता है, भारी डिस्काउंट मिलेगा, भारी डिस्काउंट, बहुत बड़ा डिस्काउंट। भाई दिल्ली आया था, एक कैफे में चला गया सोच के चाय वाय पी लूँ यहाँ पे, तो उन्होंने भाई चाय तो थी 70 रुपये की, 30 रुपये का और बिल में डाल दिया टैक्स, इसकी बहन की आँख। अब 30 रुपये का टैक्स भाई मैं नहीं दे सकता था, मेरे को गुस्सा है इस बात पे। मैंने भाई इस कैफे वाले का सर फोड़ दिया, खून वून आ रहे उसके सर से, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए, क्योंकि बहन चौदह ने पुलिस बुला ली होगी। कभी कहते हैं खर्च करूंगा अपने ऊपर, कभी कहते हैं लाइफ जीऊंगा अपनी, कभी कहते हैं मैंने ठेका नहीं ले रखा। अंकल ऐसे 30-30 रुपए के पीछे सर फुड़वाओगे तो कैसे काम चलेगा, इससे अच्छा सारे पैसे मुझे दे दो ना। दे सकते हो चाहे अंकल कितने भी बकचोदी कर ले, उनको कमेंट्स में कुछ उल्टा फुल्टा नहीं बोलना। अंकल तेनु जमा शर्म नहीं आ रही, उम्रदाई लिहाज कर ला, एडजस्ट की रत कौर, तेनू किनू सानू मैनू जैनू की हुंदा है, एक दिन हम सब मर जाएंगे और मुझे मरने से पहले भरपूर जीना है, बाकी मैनू कुछ नहीं पता। अरे एक दोस्त की इमरजेंसी देख के उसकी 25,000 रुपये दिए थे, राम खोर ना फोन उठाता और फोन काटे है ऊपर ताज ब्लॉक मार दिया, रे गलती कर दी है तेरी इमरजेंसी देख के, तेरे साला का ऐसा काम बांधूंगा तू याद रखेगा, दोस्ती खराब कर दी, 25,000 रुपया सरा बेईमान की देगा। आप लोग फॉलो करो इन्हें, मैं देखता हूँ। अरे अंकल 25,000 वेस्ट करने से पहले मुझे दे देते, मैं 25,000 को ब्याज पर चढ़ा देता और 1,000 रुपये मंथली कमाता 4% पे, मेरे पास कस्टमर्स है। तो चलो इससे पहले धर्मवीर अंकल के फैंस मेरे घर पर आके मुझे बुढ़ापे से पहले ऊपर पहुँचा दे, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, लेकिन मैं हॉट चिक्स नहीं प्रोवाइड करूँगा, और हंसी मजाक से तो अलग की बात है, लेकिन मुझे अंकल का कंटेंट सही में बहुत अच्छा लगा, मतलब अंकल एक ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे सब लोग हार मान जाते हैं, अंकल एक इंस्पिरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्या हुआ अगर आपका पार्टनर आपके साथ है या नहीं। मुझे नहीं पता उनका पार्टनर है या नहीं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर उनका पार्टनर साथ नहीं भी है तो भी वो कितने खुश हैं,
वो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि बुढ़ापा कोई एक वीकनेस नहीं होती, बुढ़ापा आप इंजॉय कर सकते हो, लाइफ का हर स्टेज आपको इंजॉय करना चाहिए, आपका पार्टनर हो या ना हो आप इंजॉय करो। और किस तरह उन्होंने बुढ़ापे को एक कंटेंट के रूप में प्रोवाइड किया है मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा कि आप सब अंकल को फॉलो करें। अंकल की रियल आईडी मेरे इंस्टाग्राम पे है, और किसी को फॉलो मत करना, वो सब फेक है। अंकल के रियल में 1 लाख कुछ फॉलोअर्स हैं और वो बिल्कुल रियल आईडी है। तो प्लीज़ मेरा भी रियल आईडी मेरे बायो में है, कर सकते हो फॉलो कर सकते हो, मैं फॉलो बैक भी कर देता हूँ, अंकल नहीं करते, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं, ये मेरी बर्थडे से पहले लास्ट वीडियो थी, अब तो बर्थडे मनाएंगे सीधा। 10K चाहिए थे पर हो नहीं पाए, कोई बात नहीं, मैंने हॉट चिक्स प्रोवाइड नहीं करी ना, तभी नहीं हो पाए। चलो मैं चलता हूँ, अंकल की वीडियो आ गई, अंकल की वीडियो आ गई, देखो देखो देखो।